नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक इन वॉल्स, यानी कि किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वॉल में लगने वाले ईंटों की संख्या हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास यह प्लान है जिसमें 50 फीट लंबाई और 20 फीट चौड़ाई का एक एरिया है जो 9 इंच की दीवार से बनना है। इसके अंदर हम मान लेते हैं कि एक दीवार यह 7 फीट की, इधर से 7 फीट की, इधर से 9 फीट की और इधर से 8 फीट की। यह अंदर वाली दीवार 5 इंची वाली है जो कि 5 इंची में बननी है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाहर की जो भी दीवार बनती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वह हमेशा 9 इंच की हो और अंदर की दीवार 5 इंच की होती है। तो ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले 9 इंची वाले दीवार की लेंथ ज्ञात कर लेते हैं। तो 9 इंच वॉल लेंथ, 9 इंच की वॉल की लेंथ कितनी है? 50 फीट प्लस 20 फीट प्लस, ये यहाँ भी 50 फीट ही होगा क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है और इधर 20 फीट, तो टोटल हो गए। फिर ये 50 फीट प्लस 20 फीट, तो ये आ गया टोटल 140 फीट। अब हम इसको स्क्वायर फीट में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास है 140 इंटू हमारे घरों में बनने वाले दीवार की हाइट होती है 10 फीट, तो हम इसको कर देते हैं 10 फीट। ये हो गई हाइट, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1400 स्क्वायर फीट। अब हम 5 इंची वॉल का लेंथ ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है 5 इंची वॉल 9 फीट की एक, 8 फीट की एक, 7 फीट की एक और 7 फीट की एक है, तो इसको जोड़ लेते हैं 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 31 फीट। अब हम इसे हाइट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 10 हाइट है क्योंकि स्टैंडर्ड हाइट दीवारों की 10 फीट होती है, तो इज इक्वल टू 310 स्क्वायर फिट। अब हमें पता है कि 9 इंच वॉल में एक स्क्वायर फिट में 9.8 ब्रिक लगता है और 5 इंच वॉल में एक स्क्वायर फिट में 4.5 ब्रिक लगता है। तो चलिए अब 9 इंच वॉल के लिए ब्रिकों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे 9 इंच के लिए जो स्क्वायर फीट प्राप्त हुआ था वह हुआ था 1400 और हमारे एक स्क्वायर फीट में 9.8 ब्रिक लगता है, तो हम 1400 को 9.8 से गुना कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 13720 नंबर ऑफ ब्रिक। अब आप ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि हम ये 9.8 और 4.5 ब्रिक ही क्यों माना, क्यों हमने 9 इंची वॉल में एक स्क्वायर फीट में 9.8 ब्रिक माना और 5 इंची वॉल में एक स्क्वायर फीट में 4.5 ब्रिक माना। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हमारे पुराने कंस्ट्रक्शन से पता चला है कि हमने जितने भी पहले कंस्ट्रक्शन कराए हैं उसके अकॉर्डिंग एक स्क्वायर फीट में 9 इंची की वॉल में 9.8 ब्रिक लगता है और 5 इंची की वॉल में एक स्क्वायर फीट में 4.5 ब्रिक लगता है। तो चलिए अब इसी तरीके से हैं हम 5 इंची वॉल के लिए ब्रिक्स ज्ञात कर लेते हैं।
5 इंची वॉल के लिए जो स्क्वायर फीट आया था वो आया था 310 × 4.5, क्योंकि एक स्क्वायर फीट में 4.5 ब्रिक लगता है। तो ये आ जाएगा टोटल 1395 नंबर ऑफ ब्रिक। तो अब हम 9 इंची वॉल और 5 इंची वॉल के लिए जो टोटल ब्रिक लगेगी, यानी इन दोनों वॉल में कितनी ब्रिक लगेगी वो निकाल लेते हैं। तो अब हम 13720 + 1395 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15115 नंबर ब्रिक। इस प्रकार हम किसी भी बिल्डिंग के वॉल के लिए बहुत ही आसानी से लगने वाली ब्रिकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें उस वॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को गुणा करने के पश्चात जो स्क्वायर फिट प्राप्त होता है उसको हम 9 इंची वॉल या 5 इंची वॉल के पर स्क्वायर फिट में लगने वाले ब्रिकों की संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमें उस वॉल में लगने वाले ब्रिक का नंबर पता चल जाता है। तो इस प्रकार हम किसी भी 1000 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट में लगने वाले ब्रिकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।